गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास फोर्थ अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए PA1 सिलेबस हमारा चल रहा है हिंदी ग्रामर में। 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं आपके। कितने आ रहे हैं? 1 to 5, जिसमें हम आपको आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 आपका पढ़ाएंगे आज, पार्ट 1 हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, व्याकरण परिचय। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। तो सबसे पहले आज हम क्या देखते हैं? इंडेक्स देखते हैं अपना। कितने चैप्टर आ रहे थे हमारे हिंदी ग्रामर में? 1 to 5। तो हम इसे यहाँ इंडेक्स पर निशान लगा लेते हैं, 1 to 5। ठीक है, कितने किसमें आ रहे हैं? PA1 सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा एवं व्याकरण। भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे किस पार्ट 1 में। ठीक है, पेज नंबर 5 पे आपको पार्ट 1 हम पढ़ाएंगे आज। देखिए पेज नंबर 5। यहाँ हमारा पार्ट 1 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, पार्ट 1 चैप्टर का नाम है आपके भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज और व्याकरण को बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, अब देखिए अपना चैप्टर। हम अपने विचारों एवं बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने एवं उनकी बातों को समझने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। हम क्या कहते हैं? अपने विचारों को और बातों को दूसरे व्यक्ति को पहुँच दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने और उनको समझाने के लिए कई माध्यमों का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। देखिए, कविता और सपना नई अध्यापिका द्वारा पढ़ाकर चली नई अध्यापिका द्वारा पढ़ाकर चली जाने के बाद उनके विषय में बात कर रही हैं। कविता कौन है? ये दोनों लड़कियां हैं, कविता और सपना। नई अध्यापिका यानी टीचर, जो नई टीचर आई है उसके द्वारा जो पढ़ाया है, उन्होंने जो पढ़ाया है उन्हें, उनके विषय में बात कर रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, कविता बोलती हैं, माहिरा माहिरा मैडम ने जिस ढंग से व्याकरण समझाई, क्या बोला उन्होंने? माहिरा मैडम ने जिस ढंग से व्याकरण समझाई मेरी समझ में तो सब कुछ आ गया। क्या बोल रही है कविता? कि जो मैम ने मुझे हमें वो समझाई थी व्याकरण, मेरे तो बिल्कुल समझ में आ गई है। तो सपना बोलती है, हाँ उनकी बात तो मेरी भी समझ में आ गई। कबीर कल सर्कस देखने गया था। कबीर क्या गया था? सर्कस देखने गया था। सर्कस में जो कुछ उसने देखा वह अपने मित्रों को बोलकर बता रहा है, मित्रों यानी दोस्तों को, तथा उसके मित्र सुनकर उसकी बातों को आनंद ले रहे हैं। वो क्या कर रहा है? अपने जो सर्कस गया था घूमने, वहाँ की बातें जो उसने वहाँ देखा था वो अपने दोस्तों को आकर बता रहा है, और उसकी दोस्त उसकी बातों को सुनकर आनंद ले रहे हैं। ठीक है, मोहन को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, वह पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि अपने मन की बातों इस प्रकार हमने जाना कि हम अपने मन की बातों को या विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। यानी अपना हमने क्या जाना है इन चीज़ों से? ऊपर जो हमने अभी बताया आपस में बात जो कर रहे हैं उससे हमने क्या जाना है कि मन की बातें, विचार और अनेक प्रकार से प्रकट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कहकर हमने कहा आपसे, कहकर हम अपने विचार आपको बता सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, सुनकर बता सकते हैं और पढ़कर भी बता सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? हमारे विचार अलग अलग तरीके से प्रकट हो जाएंगे। अब नीचे देखिए, भाषा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज।
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार, जो भी हमारे फीलिंग्स थॉट जो हमारे हैं, उनको हम अपने दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं भाषा को, और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, और उनको हमें समझाएं तो हम उनके विचार को समझ सकते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब इधर देखिए, भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यहाँ दिया हुआ है आपको भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मुख्यतः भाषा के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, मौखिक बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज बोलना भाषा का प्रथम रूप है। उसमें बोलकर अपने मन की बात कही जाती है, दूसरा उसे सुनकर समझता है। क्या है वो मौखिक भाषा में क्या होता है, बोलना भाषा का प्रथम रूप है, यानी भाषा का पहला स्टेप क्या है, बोलना। ठीक है, उसमें हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, यानी मुख यानी मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, पेश करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो मुंह से बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जो लिखकर होता है। देखिए, लिखना भाषा का द्वितीय रूप है, यानी दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बातें या विचार दूसरों तक पहुंच जाते हैं। क्या कहते हैं, लिखित भाषा में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने विचारों को हम, और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो क्या है इसमें, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं यानी पेश करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जो बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है, जो लिखकर करते हैं तो उसे लिखित भाषा। अब देखते हैं सांकेतिक भाषा, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज। जब हम संकेतों से अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, यानी संकेत से, तो वो भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन भाषा में, व्याकरण जो है, ग्रामर में सांकेतिक भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है, सिर्फ मौखिक और लिखित भाषा को है। ठीक है, अर्थात इसे भाषा नहीं माना गया है, इसलिए इसे भाषा नहीं मानते हैं। अब तक हम अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में सिर्फ दो ही भाषा पढ़ते हुए आए हैं, भाषा के दो प्रकार ही पढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। लिपि देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट। हमारे देश में कई भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। सभी को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कई भाषा हमारे देश में लिखी जाती हैं, सभी को पता है, और उन सभी को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग ढंग से। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। उन्हीं चिन्ह जो होते हैं उनको चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा लिपि की भली भांति समझने के लिए नीचे तालिका को ध्यानपूर्वक देखिए व समझिए। अब हम इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तब हमें समझ में आएगा लिपि किसे कहते हैं। ये भाषा दे रखी है आपको, ये लिपि दे रखी है, ये उदाहरण आपको बताए गए हैं। भाषा जैसे हिंदी हो गई हमारी, तो हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी देखिए किस तरीके से लिखी जाती है, राम बाजार जाता है। ठीक है, हिंदी इसी तरीके से लिखी जाती है ना, ये जो इसका ढंग होता है लिखने को, इस ढंग को लिखने को लिपि बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा होती है और लिपि इसकी रोमन होती है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसकी लिपि में, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। ये हिंदी देवनागरी हो गया रोमन, हिंदी देवनागरी, और अंग्रेजी रोमन में हम किस तरीके से लिखेंगे, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए संस्कृत, संस्कृत के क्या होती है लिपि, देवनागरी होती है इसको, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, राम आपण गच्छति। तो ये लिखा तो यही है, लेकिन इसका तरीका अलग लिखा हुआ है, इस तरीके को लिपि बोलते हैं। ठीक है, इसके ढंग जो लिखे, जिस ढंग से ये लिखा जाता है, इन चिन्हों को बोलते हैं हम लिपि। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है, देखिए इसमें राम बाजार जाता है ये किस तरीके से लिखा हुआ है, इन्हीं तरीके को हम बोलते हैं लिपि। उर्दू में फारसी होती है लिपि, तो जिसमें राम बाजार जाता है इस तरीके को हम लिपि बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को लिपि किसे कहते हैं। उपरोक्त तालिका में वाक्य राम बाजार जाता है,
को विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह द्वारा लिखा गया है, अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों से लिखा गया है। तो लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। मैंने आपको बताया ये जो ढंग से इस ढंग से जो लिखे हुए हैं इन्हीं ढंग को हम लिपि कहते हैं। राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। देखिए अब जो भाषा अधिकांश रूप से देश के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे उस देश में ही वो भाषा बोली जाती है जिस देश में आप रहते हैं, उसके अधिकांश में जैसे भूभाग बोली जाती है उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं उस देश की। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। इसलिए वह राजभाषा के भी कहलाती है। हिंदी हम राजभाषा भी कहते हैं हिंदी को। ठीक है, अब इधर देखिए हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। राजभाषा के रूप में किसको? हिंदी भाषा को। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को 14 सितंबर को अपनाया गया था। इतनी सन में 1949 में। ठीक है, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, क्योंकि इस दिन ही राजभाषा को राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को कहा गया, अपनाया गया था। तो इसलिए ही इसी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रादेशिक भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। जैसे भारत है हमारे इंडिया में, उस प्रदेश होते हैं, अलग अलग स्टेट जो होते हैं उनमें अलग अलग भाषाएं यूज़ होती हैं, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती हैं। तो यही भाषाएं ये क्या कहलाती हैं? प्रादेशिक भाषा कहलाती हैं। जो हम देशों में वो बोली जाती हैं अलग अलग भाषाएं उन्हें हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। और जो भारत के विभिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाती है यानी अलग अलग स्टेट में बोली जाती है उसमें हम बोल उसको बोलते हैं प्रादेशिक भाषा। ठीक है, जैसे प्रदेश देखिए और भाषा देखिए। उड़ीसा है प्रदेश, उड़िया बोली जाती है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी हमारा, उसमें हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोली जाती है ना उत्तर प्रदेश में। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है क्योंकि पंजाब स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, उड़ीसा, ये सब स्टेट हैं, इसमें भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, ये सब भाषा अलग अलग यूज़ होती हैं सब स्टेट में। अब नीचे देखिए व्याकरण किसे कहते हैं? ग्रामर। व्याकरण बोलते हैं ग्रामर को। किसी भाषा को लिखने पढ़ने व बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो हमें लिखने पढ़ने बोलने व समझने में आसानी प्रदान करते हैं। क्या है इसका रूल? किसी भाषा को लिखने पढ़ने व बोलने के लिए कुछ नियम यानी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो ये पढ़ना व लिखना जो समझना हो जाए उसे आसानी प्रदान करता है हमें, उसको हम बोलते हैं ग्रामर। इन्हीं नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्री व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा देखिए। लिखित व मौखिक भाषा के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा का भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, परंतु व्याकरण में इसे भाषा नहीं माना गया है। लिखित व मौखिक भाषा के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा का भी हम हिंदी दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन करते हैं सांकेतिक भाषा का यूज़, लेकिन क्या है? परंतु व्याकरण में इसे भाषा नहीं कहते हैं। ठीक है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने का जो ढंग होता है मैंने आपको बताया था वो लिपि कहलाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान कराती है। व्याकरण क्या है? हमें भाषा को लिखने व बोलने का ज्ञान कराती है। ठीक है, तो यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, याद रखिए हमारा ये पार्ट वन चल रहा है। फर्स्ट है हमारा, देखिए सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। जो भी हमारा विकल्प सही है उसके सामने हमें राइट लगाना है। देखिए का है, व्याकरण हमें सिखाती है शुद्ध रूप से लिखना बोलना पढ़ना ये सभी। व्याकरण हमें क्या सिखाती है? मैंने आपको ऊपर बताया था लिखना पढ़ना बोलना। ठीक है, तो कैसे किस ऑप्शन पर राइट लगाएंगे? ये सभी। ठीक है,
अखा देखिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, 16 दिसंबर को, 18 सितंबर को, ये सभी गलत है ये, क्योंकि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 15 है, 16 है और 18 है, और ये सभी है, तो इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे काट देते हैं, ठीक है, ये गलत है हमारा। अब इधर देखिए, उर्दू भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, फारसी, आ, वा, सा, दोनों। उर्दू की भाषा की लिपि मैंने आपको बताई थी क्या थी, फारसी, तो फारसी पर राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ही इज़ गोइंग, ये वाक्य किस लिपि में लिखा गया है, गुरुमुखी में, फारसी में, देवनागरी में, अंग्रेजी में, ये किस में लिखा है, अंग्रेजी में, तो अंक 4 पर, ऑप्शन पर राइट कर देंगे। अब यह रिक्त स्थान भरिए, किसी राष्ट्र में अधिकांश रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा डैश कहलाती है, मैंने आपको बताया था जो राष्ट्र में बोली जाती है उसको कौन भाषा बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राष्ट्रभाषा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, खा देखिए, किसी प्रदेश में अधिकांश रूप से बोले जाने वाली, जो प्रदेश में, तो मैंने क्या बोला था, वो कौन सी भाषा कहलाती है, प्रादेशिक, पर है ग हमारा, हमारे प्राचीन ग्रंथ व शास्त्र के कारण ही सुरक्षित है, ये हमारे चैप्टर में आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसे पढ़ा ही नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि किसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम इसे काट देते हैं, ठीक है, इसे हम काट देते हैं। अब गखा देखिए, भाषण देना डैश भाषा की अंतर्गत है, भाषण देना क्या था, भाषण देना मौखिक भाषा में आता है, तो इसे हम मौखिक भाषा लिख देते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, ये कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकते, रॉन्ग, भाषा ही वो साधन है जिसके कारण हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग आएगा हमारा, ठीक है। अब खा देखिए, भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन 2 को ही मान्यता प्राप्त है, इसमें जब दिया हुआ है तो इसे हम राइट कर देते हैं। गा देखिए, बोलकर विचारों को आदान प्रदान मौखिक भाषा कहलाती है, कहलाता है, राइट। भारत में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो ये रॉन्ग है हमारा, ठीक। अब देखिए नीचे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखित भा ये हम क्रोश प्रश्न उत्तर आपके कॉपी पर कराएंगे, हम नीचे देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 है, भारत में बोले जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं की लिपि उदाहरण सहित लिखिए, भाषा लिपि उदाहरण, तो हम ये वाला ही उतार लेंगे, सेम ये वाला, हम 5 वाला है हमारा, इसको हम उतार लेंगे, हमें 5 देनी है तो हमारी 5 यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, ये हम ये सेम उतारेंगे, भाषा के नीचे ये सिर्फ सारी उतार देंगे, ये भाषा ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसके नीचे ये उतारेंगे सब, ठीक है, पर लिपि उतारना है तो लिपि के नीचे सारी ये उतारेंगे, फिर उदाहरण देने हैं तो हम उदाहरण ये वाले दे देंगे सारे, ठीक है, ये होमवर्क है, सब बच्चे पीछे से देखकर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, कॉपी निकालिए सभी बच्चे, कॉपी में हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ये आपकी हिंदी की कॉपी है, ठीक है, तो इसे ओपन कर लीजिए, सब बच्चों को यहाँ नाम लिखना है अपना, यहाँ क्लास लिखनी है, क्लास है आपकी 4th, यहाँ अपनी सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन आंसर करके रखे हैं, आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको,
ठीक है, सबसे पहले अपना फ्रंट, आपको चैप्टर खोलना है। मैंने यहाँ लिखा था पार्ट वन, तो स्टार्ट मैं यहीं से करूँगी। देखिए, सबसे पहले सब बच्चे डेट शो करते हैं अपनी वीडियो की। यहाँ जिस दिन आपके पास ये वीडियो आई है, पार्ट वन लिखना है आपको, सेम जैसे मैंने यहाँ लिखा था यहीं आप लिखेंगे। फिर पार्ट का नाम लिखेंगे, नंबर पार्ट नंबर वन है तो हम यहाँ लिख देंगे। देखिए, और चैप्टर का नाम लिखेंगे भाषा एवं व्याकरण, इस तरीके से। देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन आंसर खोलने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, मैंने लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब फिर लिखा हुआ है का क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं। तो मैंने लिखा है, देखिए बुक से, का लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर के लिए मैंने वो बनाया है। देखिए, मैंने लिखा है, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये समझाया हमने कि जो हम लिखेंगे, जिस प्रकार अपने विचार को हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो उसे ही हम लिखित भाषा कहेंगे। तो ठीक है, आपको ये पहला आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। फिर है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने दूसरा खा क्वेश्चन लिखा है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो जवाब मैंने लिखा है, उत्तर लिखा है, जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, यानी मुंह से बोलकर, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दूसरा जवाब यहाँ मिल जाएगा। देखिए, जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब नीचे हमारा थर्ड लास्ट आंसर देखिए कौन सा रह गया है, गा व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर, गा व्याकरण किसे कहते हैं। उत्तर है, किसी भाषा को लिखने पढ़ने व, क्या लिखा है मैंने, किसी भाषा को लिखने पढ़ने व बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसके आगे लिखना है हमें, जो हमें लिखने पढ़ने बोलने वह समझने में आसानी प्रदान करते हैं। इन्हीं नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्रीय व्याकरण कहलाता है। ठीक है, मैंने लाइन छोड़कर करा है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा होगा, साफ साफ आपको दिखने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ से लिखा है आंसर, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका थर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ से लिखा है, किसी भाषा को लिखने व पढ़ने व बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो हमें लिखने पढ़ने व बोलने का व बो लिखने पढ़ने बोलने व समझने में आसानी प्रदान करते हैं। इन्हीं नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, मैंने इस यहाँ से करा है, सभी बच्चे व्याकरण वाला ये आंसर इस बुक से कर लें, अगर कॉपी से समझ में ना आए। ठीक है, यहाँ आपका पार्ट वन कंप्लीट हो जाता है, सभी बच्चों का कॉपी पेपर मैंने इस तरीके से करा है। क्वेश्चन आंसर सभी, यानी प्रश्न उत्तर सभी बच्चों को अपने कॉपी पर करने हैं, और एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही करनी है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने होमवर्क दिया है, ये मैंने यहाँ बताया है आपका फाइव वाला ये ऑप्शन, ये उतारना है सेम आपको, तो आपको बुक पर ही करना है। सभी बच्चों को अपने एक्सरसाइज, रिक्त स्थान, सही कथन क्या है, राइट रॉन्ग, ये भारत में बोले जाने वाली भाषाएं, ये सब आपको बुक में रखनी है। और बाकी सब अपने जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं, यही आपको कॉपी पर करना है बस। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, अपना चैप्टर समझेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। और लेसन टू यानी पार्ट टू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, जब तक अपना पार्ट वन कंप्लीट करिए सभी बच्चे। थैंक यू।